Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. We have studied third chapter of physics, that is dynamics, and our today's topic is about Newton's third law of motion. Basically, third law of motion deal karta hai bodies ke upar jab bodies motion mein ho, movement kar rahi ho. Third law of motion. What is Newton's third law of motion? Explanation. Newton's third law of motion deals with the reaction of a body when a force acts on it. Newton's third law deal करता है उन bodies के साथ जिन bodies के ऊपर कोई ना कोई reaction force लग रही हो जब उनके ऊपर कोई एक force act करे. Let a body A exerts a force on another body B. जब एक body A एक body B के ऊपर एक force लगाए The body B reacts against this force. जो body B है वो उसके ऊपर एक against force लगाती है and exerts a force on body A. और एक force body A के ऊपर exert कर देती है. For example, अगर हम balls की example लें, अगर एक ball slowly move कर रहा है और अगर हम एक ball को उसके आगे ऊपर throw करें, इस तरह से कि उसकी जो movement हो या उसकी जो स्पीड हो वो ज़्यादा हो उससे तो जो बॉडी ए होगी वो स्लोली मूव कर रही होगी और बॉडी बी उसके ऊपर क्या करेगी एक फोर्स लगाएगी इन केस जो बॉडी ए होगी वो बॉडी बी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बैकवर्ड फोर्स लाजमी लगाएगी जिसको हम एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस कहेंगे द फोर्स डब्ल्यू एक्जर्टेड बाय बॉडी ए ऑन बी इज द एक्शन फोर्स वो फोर्स W जो कि हम बॉडी A के ऊपर B के ऊपर लगाती है उसे हम एक्शन फोर्स कहेंगे वेयर इज अ फोर्स एक्जर्टेड बाय बॉडी B ऑन A इज कॉल्ड अ रिएक्शन फोर्स और जो बॉडी B बॉडी A के ऊपर लगाएगी वो उसकी रिएक्शन फोर्स होगी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अब न्यूटन्स की जो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट है वो है कुछ ऐसे है To every action, there is always an equal but opposite reaction. कि हर एक action में वहाँ पे हमेशा एक equal लेकिन एक opposite reaction की force लाजमी मौजूद होती है. According to this law, action is always accompanied by a reaction force, and the two forces must always be equal and opposite. इस law के मुताबिक action हमेशा तब कॉम्बेन किया जा सकेगा जब तक उसके ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी और जो दो फोर्सेस होंगी वो आपस में दूसरे के इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी नोट दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज कि वो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस दोनों जो हैं वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट कर रही हों एक ही बॉडी एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों प्रोड्यूस नहीं कर सकती इन दोनों फोर्सेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें दो बॉडीज़ की ज़रूरत होगी उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के लिए आप इसी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़